रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। सांसद सुनील सोरी ने सीएम भूपेश बघेल से पूछा है, सीएम बताएं किस बीजेपी के नेता की गाड़ी में विदेशी कुत्ता घूमते हैं। गौठान में 1300 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है। मनरेगा का पैसा मोदी जी ने विकास के लिए दिया था। 15वें वित्त का पूरा पैसा गौठान में लगाकर लूट लिया गया। हम गौठान पहुंचकर वहां की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। गौठानों में गाय नहीं है, चारा नहीं है, पानी नहीं है, शेड भी नहीं। इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। कई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं, अब वो गाय गरुआ के बारे में क्या समझेंगे। अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे, कभी गए हैं क्या? कौन भाजपा वाले के गाड़ी में बड़े कुत्ते रहते हैं या विदेशी कुत्ते रहते हैं तो उसका नाम भी बता दे भूपेश बघेल जी। अब कुत्ते तक के आप आ गए हो और गोठान के अंदर में 1300 करोड़ से अधिक का पैसा आपने लूट डाला। मनरेगा का पैसा मोदी जी ने विकास के लिए भेजा था। 15 वित्त का पैसा सरपंचों को विकास के लिए मिला है, वो पूरा पैसा गोठान में लगा के आपने लूट डाला।